सारे गंदे गंदे नालियों में सारे कीड़े, बिल्कुल बेकार। इतनी गलियां ये बेकार हो रही, पानी भर जाता। बारिश के महीने में इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। पीने का पानी आता है, बिल्कुल बदबू आती है पानी में। यही नहीं पता कि मेरे क्षेत्र में समस्या है, वो ऐसी कंडीशन में बैठ के समस्याओं को निपटाते हैं, लेकिन रोज रोज आप धरातल पे उतर के देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। इस वक्त हम खड़े हैं विजय विहार फेज टू में, जहां पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ना रोड है, ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना सीवर है, ना पानी है। और यहां ऐसी समस्याएं हैं जो कि मूलभूत जरूरतें होती हैं, लेकिन यहां के ना विधायक को पता है ना कुछ है। यहां लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आंटी जी, आपके क्षेत्र में कैसा विकास देखते हैं? बिल्कुल बेकार। इतनी गलियां ये बेकार हो रही, पानी भर जाता। बारिश के महीने में इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। पीने का पानी कैसा आता है? गंदा आता है, बिल्कुल बदबू आती है पानी में। पीला पीला आता है पानी, पीला पीला पानी आता है, गंदा आता है। आप लोग अपने विधायक से कुछ नहीं कहते? हम विधायक जब ये सफाई नहीं होगी तो फिर मच्छर तो अंकल जी होंगे यहाँ, तो वो तो गर्म मच्छर ने भगा जा रहे हैं। पानी पीवे आप लोग अपने वोट देते हैं तो क्या सोचते हैं कि इस बार वोट कैसे देंगे आप? कोई साला नहीं सुनता है, पिछली बार किसे दिया था? कोई नहीं सुनता है, किसी पार्टी को सबको देते हैं। केजरीवाल जी जो इस बार कह रहे हैं कि दिल्ली में डेंगू है ही नहीं, मच्छर ही नहीं है पूरे दिल्ली में, पानी पी लेवा, पेट में दर्द हो जाता है, पीना पानी। लेकिन वो तो कह रहे हैं मच्छर फ्री देना है ना, गंदे गंदे कीड़े ही है, ऐसे कीड़ा भी निकल आते हैं पानी में पानी में। यहाँ देखिए जैसे कि ये जरा सा बच्चा है और ये बता रहा है कि गंदे। बेटा आपने कीड़े देखे हैं पानी में? हाँ, बहुत सारे गंदे गंदे नालियों में सारे कीड़े। आप सब छोटे छोटे बच्चे, पानी सही नहीं मिलेगा तो इनका भविष्य कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। और बहुत बुरा हाल है इस गली का भी, हम आपको दिखाएंगे अपने पीछे कि पूरी खुदी हुई गली है, टूटी फूटी सी, गंदी है बिल्कुल। और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ही पता है, तो कुछ बड़ों का क्या? अंकल का कहना है कि क्या कह रहे हैं अंकल जी? नहीं जीतेगा, मच्छर देखो ना क्या समझते हैं केजरीवाल के विधायक? एक भी विधायक नहीं देखने आया यहाँ पे, एक पाँच साल में एक बार भी नहीं, एक भी नहीं देखने आया पाँच साल में एक बार भी, एक भी नहीं देखा है, एक भी दिन नहीं। देखो जी, गली बनी गई है, जा गली का कभी लंबर ही नहीं आता, सारी गली बनी गई है, हमारी गली का कभी लंबर ही नहीं आता है बनने का कभी। तो आपने अपने विधायक से कभी संपर्क? अरे भाई साहब आए थे ना, कभी नहीं आते आपके पास? कभी नहीं आया, कभी नहीं आते। देखिए कैसी कैसी जनता की समस्याएं कि कभी विधायक जी क्षेत्र में ही नहीं आते और इस क्षेत्र से सिर्फ वोट लेके निकल गए। सुनील जी आप यहाँ आए हैं, आप कहाँ से हैं, आप बताएं कि किस तरीके से देखते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को? मैं रिठाला विधानसभा को लगभग पिछले एक वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनको सड़क पे लेके जाऊँ, जनता के से रूबरू कराऊँ। और जो विधायक यहाँ के नंबर वन विधायक अपने आप को कहलाते हैं, सो कॉल्ड नंबर वन, वो उनकी समस्याएं के उनको यही नहीं पता कि मेरे क्षेत्र में समस्याएं हैं, वो ऐसी कंडीशन में बैठ के समस्याओं को निपटाते हैं, लेकिन रूबरू आप धरातल पर उतर के देखिए। पिछले 10 दिन से मैं डेली कुछ ना कुछ समस्याएं डाल रहा हूँ, अब देखिए कि क्या हालत है। पानी की समस्या तो इतनी ज़्यादा है हमारे रिठाला विधानसभा में, कल बुध विहार में देख रहा था, आज मैं आपको विजय विहार में दिखा रहा हूँ कि कह रहे हैं वैसे पानी में कीड़े चलते हैं। बताइए ऐसे पानी का क्या फ़ायदा फ्री का कि जो कोई पी भी ना सकता? सम्मानजनक स्थिति में आप पानी दीजिए, कोई नहीं चाहता कि दिल्ली में फ्री ही पानी मिले, ऐसे से मिले। अभी वो बहने हमारी एक एक किलोमीटर दो दो किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, उससे बढ़िया वो कहेंगे कि हम 100-200 रुपये 300 रुपये महीना बिल भर दें पानी का। लेकिन पानी यहाँ पे साफ स्वच्छ एवं अच्छा है, लेकिन यहाँ तो बुरा हाल है, ना सड़क है, ना पानी है, ना सीवर है, मतलब इतना बुरा हाल है कि जीवन यापन कैसे इन लोगों को होता है, मेरी समस्या बाहर है, समस्या बाहर है और बहुत ज़्यादा है। आंटी जी क्या समझते हैं कि इस तरह की स्थिति क्यों है, आप लोगों ने किसको वोट दिया था?
वोट तो जिन्हें देते हैं हर साल देते हैं नहीं देते हैं वोट तो। अच्छा तो आप क्या समझते हैं इस बार इलेक्शन में किसे देंगे इलेक्शन? भाई आपकी तो कहने चलते हैं जब ये कोई सुविधा ही नहीं है तो फायदा क्या है वोट देने का। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं आपको पानी फ्री देंगे तो पता लगेगा कि केजरीवाल आएंगे जब पता लगेगा पानी कोई फ्री फ्री तो कोई देता है पानी बिल दे रहे हैं जमा कितनी बदबू आती है पानी में आधा घंटा पानी नहीं आता चला जाता है गुड पानी पियो बीमार पड़ रहे हैं। मैं पानी का इंतजाम कैसे करते हैं जैसे पानी मंगवाते हैं वो भी पैसे दे दे के मंगवाते हैं पैसे दे दे के पानी मंगाते हैं ऐसा पानी का फ्री का क्या फायदा जो फ्री का पानी का क्या फायदा है 40 रुपए की एक बोतल आती है एक बोतल पानी दिन भर में नहीं एक बोतल पानी और बाद में चल जाएगा नहीं चलेगा ना सीवर बार बार के सीवर भी भरे पड़े ये वो समस्याएं हैं जो यहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि यहाँ पे पानी का पीने का इंतजाम नहीं है ये अपने खरीद के बोतल जो पानी की होती है 2 रुपए वाटर की वो पीती हैं और एक बिल्कुल पानी की तो सबसे दयनीय स्थिति है कि कीड़े चल रहे हैं उस पानी में उसको कौन पिएगा या उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और जो सड़कें हैं या मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएँ यहाँ से लुप्त हैं कि विधायक जी को ना मालूम है क्षेत्र के बारे में ना क्षेत्र की जनता के बारे में ना क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बारे में। न्यूज़ है ना आपसे कोई छुपा बात नहीं है सर जी ठीक है आप खुद अभी चल के आए हो खुद देख रहे हो ना नंबर वन क्या है गली बढ़ जाता है सर कूड़े गाड़ी हफ्ते में एक दिन आता है क्या क्या काम कर रहे हो ऊपर भर जाता अपने पैसे लेके किराएदार मालिक अपने अपने पैसे लगा सुपर करा देते हो ये चीज आप खुद देख रहे हो ना ये गली यहाँ से लेके अंड तक देखो सर यही हाल है अच्छा नहीं आता है बिल्कुल भी बिल्कुल पानी ऐसा आता है बिल्कुल टट्टी जैसा पानी आता है कभी कभी फिर आप लोग रहते कैसे हैं रहते कैसे अपने ऐसे ही पानी पीते हैं परमा शर्मा का भर भर के लाते हैं तो आप अपने विधायक से बात नहीं करते कंप्लेंट नहीं करते वे सुनते नहीं है कोई सुनते ही नहीं सुनते नहीं पानी की क्या स्थिति पानी की ठीक है आता है कभी कभी गंदा भी आता है कभी 80 रुपए की बोतल लेके कितना पियेंगे जिसकी पाइप नहीं है वो इतना थोड़ी पी पाएगा इतना करो कुछ नहीं सर अरे भैया बहुत हालत बिगड़ी हुई है मुश्किल पड़ जाएगा जब से लोग अरे अभी इसी बार ऊंचा करवाया गया इसमें ऊंचा करवाया थोड़ा नहीं रहता कितना पड़ रहता था घुटनो तक का पानी रहता था वो तो हम झूठ बोलेंगे कहना है इन लोगों का कि कुछ हुआ नहीं है सिर्फ बोल के चले जाते हैं विधायक जी यहाँ जो भी चुनाव लड़ने आते हैं लेकिन यहाँ एक माहौल जो है बहुत खराब है दयनीय है कि सड़कें सूखी हुई हैं बिल्कुल हालत खराब है अभी कहाँ अच्छा ई रिक्शा चलाते हैं तो क्या देखते हैं सड़कें सही हैं सड़कें गलत है क्या समझते हैं क्यों विकास नहीं हुआ या क्या है आप विकास नहीं हुआ आप लोगों का कभी वो नहीं हुआ कि विधायक से बात करें कि सही देख रहे हैं किस तरीके से कि ई रिक्शा चालक है इन्होंने ये सारा दिन इस क्षेत्र की सड़कों पर चलते हैं और कहना है कि सड़कें टूटी हुई हैं कोई भी विकास नहीं है उसका और बिल्कुल ही कंडीशन जो है इन सड़कों की खराब है कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन अफसर खान के साथ पवन कुमार जनेजा बेठाला विधानसभा दिल्ली।